प्रदेश में कोरोना के चलते 2 सालों से स्कूल बंद करने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया था। सरकारी व निजी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी असर देखने को भी मिला है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने स्कूलों में 10वीं 11वीं और 12वीं सभी छात्र छात्राओं को योग्यता अनुसार पास किया गया था। ऐसे में कई निजी स्कूल वाले 10वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पास आउट हो चुके हैं व अब स्कूल चेंज करना चाहते हैं तो उनको स्कूल की TC तक नहीं दी जा रही। ऐसे में पाठकों के साथ बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में लटक रहा है, क्योंकि 10वीं का बच्चा पास आउट होकर 11वीं में जाकर दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहे तो बिना TC के कैसे लें। उज्जैन के तक्षशिला स्कूल की शिकायत लगातार जिला कलेक्टर के समक्ष भी कई बार आ चुकी है और आज तक्षशिला स्कूल में ABP के छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देख नानाखेड़ा थाना पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गई। ABP का कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ तक्षशिला स्कूल के डायरेक्टर गणेशन प्रताड़ित कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर बच्चा उनके स्कूल में नहीं पढ़ना जाना चाहता तो उनके साथ जबरदस्ती 11वीं और 12वीं पढ़ने का क्यों बोला जा रहा है। मोटी मोटी रकम वसूल करने वाले तक्षशिला जूनियर स्कूल की लापरवाही सामने आई है। बच्चों के साथ उनके पालक गांधी स्कूल में हंगामे के दौरान मौजूद रहे। उन्होंने पुलिस के सामने स्कूल प्रबंधक पर लगाए गंभीर आरोप। पालकों का कहना है कि हमने कई बार स्कूल प्रिंसिपल और प्रबंधक को TC के लिए अप्लाई किया था। कई महीने तक हमको हर रोज टालते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने पुलिस और जिला कलेक्टर को भी इनकी शिकायत की है, लेकिन तक्षशिला स्कूल डायरेक्टर गणेशन किसी की भी परवाह नहीं, बेखौफ होकर हमसे विवाद करते रहते हैं। और उनका साफ कहना है कि मुझे TC नहीं देना है और आप अपने बच्चों को 11वीं में हमारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं और हमारे स्कूल की फीस भी भर दे, अन्यथा आपके बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। उसी दौरान बच्चों के पालक यहां तो स्कूल में पुलिस के सामने ही कह दिया कि अगर मेरे बच्चों की TC नहीं दी तो मैं भूख हड़ताल पर अनिश्चितकाल के लिए बैठ जाऊंगी, अगर उसमें मेरी जान जाती है तो उसके जिम्मेदार तक्षशिला स्कूल के डायरेक्टर गणेशन होंगे। ये जो मिस्टर ज्ञानी खड़े हैं, मिस्टर वो खड़े और वो उनका नाम मुझे आज मैं नहीं बैठूंगी। मैं मेरे अपने बच्चों की TC लिए यहाँ से नहीं सर, सर हम सर 11 अगस्त को भी मैं DO मैडम का मेल लेके आई। इन्होंने मिस्टर मिलना पसंद नहीं करा, इनके ऑफिस के बाहर ही खड़े होकर वीडियो बनाई। इनका वकील आया थाने में, मुझे धमकी दी कि बोले आप कुछ भी कर लो आप बच्चों की TC नहीं निकाल सकते। जब हम यहाँ 11 जून को प्रथम बार आवेदन देने आए SLC के लिए तो इन्होंने हमारा आवेदन लौटा लिया। आवेदन लौटाने के साथ ये कहते हैं कि आपको पिछले सत्र का 9,000 रुपये बकाया जो बस कंप्यूटर अदर एक्टिविटी गवर्नमेंट ने कम करी थी आपको वो फीस देना है। हमने बोला आप हमें आदेश बताइए, इन्होंने नहीं बताया और हमसे बदतमीजी करके स्कूल से भगा दिया और मिस्टर गणेशन तो हमसे मिले ही नहीं। फिर उसके बाद हम दोबारा फिर आए, दोबारा स्टाफ ने हमसे बदतमीजी करी और हमारे पास 30,000 रुपये ड्यू निकाल दिए। बोले आपका बच्चा तो हमने 11वीं में दर्ज कर लिया। फिर हम जब गणेशर सर से तीसरी बार लड़ झगड़ के मिले तो इन्होंने बोला आप कुछ भी कर लो, आप किसी भी कोर्ट में चले जाओ, कोई मेरा बिगाड़ नहीं सकता है। CBSE ऑफिस से लेकर सब दूर मेरे सदस्य हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इनके। जब हमने सब दूर आवेदन दिया, हमारी आवेदन पे लिखा हुआ है 11 जून आवेदन और 6 या 7 जून को लॉकडाउन ओपन हुआ था। इन्होंने इस बीच बच्चा 10 अप्रैल में 10वीं में था, इन्होंने हमसे मार्च अप्रैल और जून का पैसा निकाला। अब इन्होंने एक ही सत्र में बच्चे को दो कक्षाओं में नाम दर्ज करा, कक्षा 10वीं में भी और कक्षा 11वीं में भी उसका निकाला। हम जब इतनी लड़ाई लड़ते लड़ते हमें इतना समय 11 अगस्त निकल गई तो इन्होंने हमारे बच्चों की फीस 50,000 रुपये ड्यू कर दी। अब ये बोलते हैं कि 50,000 रुपये आप जब तक नहीं दोगे हम TC नहीं देंगे। DO ऑफिस से कमेटी बैठ गई, स्कूल दोषी सिद्ध हो गया। इनके पास 11 अगस्त को मेल आ गया, आप बच्चे को बिना शुल्क लिए TC दिए, इन्होंने नहीं दिया। JD मैडम ने इन पे कार्रवाई करी, इनको स्कूल निरस्ती का इन्हें लेटर लिखा गया, इनने उसकी अनदेखी करी। जब हमने पुनः कलेक्टर को बोला तो परसों SDM आके गए, इन्होंने उनको भी जो स्पष्ट चीजें जवाब ही नहीं दे पा रहे। आज अंदर भी TI सर बैठे हुए ये उनको भी गोल गोल घुमा रहे हैं।